हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में अनीशा गुप्ता जी बैठी हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में एग्जाम दिया और अब वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके एसएफएम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 74% मार्क्स उन्होंने एसएफएम में सिक्योर किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स लाने का राज क्या है, इतना अच्छा आपने मार्क्स सिक्योर किया उसके पीछे क्या कारण है, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। एसएफएम की क्लास जब आपने मेरे से ली तो कैसा लगा? एसएफएम की क्लास की रिवीजन जब आपने की एग्जाम से पहले तब कैसा लगा? एग्जाम पेपर देखकर कैसा लगा और अब कैसा लग रहा है? स्टॉक मार्केट की क्लासेस जो हम लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम देते हैं वो कैसा लगता है? जो मोटिवेशन हम क्लास में देते हैं वो कैसा लगता है? अनीशा गुप्ता, अब आपके हवाले मैं इस मंच को छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट होना चाहते हैं, प्लीज अपने बारे में बताएं और एसएफएम के खास तौर पर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले आपकी क्लासेस लेकर कैसा लगा, सर आपकी क्लासेस लेकर मैं बहुत खुश थी। मैंने कुछ 3 साल पहले क्लासेस ली थी, बट अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा था प्रिपरेशन करते हुए कि सिलेबस आउटडेटेड था या कुछ पुराना हो गया। इतनी इन डेप्थ नॉलेज देते हो आप कि एक इंटरेस्ट बना रहता है और कंसेप्ट क्लैरिटी रहती है। आज तक वो 3 साल पहले पुराने पड़े हुए कंसेप्ट आज तक समझे हुए हैं, याद है। प्लस आप जो क्लास में स्टॉक मार्केट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देते हो वो क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हमारा खुद का इंटरेस्ट बनाते हैं कि हमें भी इस फील्ड में जाना है, हमें भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला आपके क्लासेस के थ्रू। और जिस तरह आप कंसेप्ट नोट्स बनवाते हो, वो नोट्स पढ़कर ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं होती। हर कंसेप्ट के साथ ही उसका एग्जाम्पल होता है, इमीजिएट क्लैरिटी मिल जाती है कि इसमें क्या था। मुझे ऐसे कोई साइड में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने एग्जाम के लिए। साइड बाय साइड सब कुछ क्लियर था। इतने प्रॉपरली आप नोट्स प्रेजेंट करवाते हो। सो थैंक यू सो मच सर, आपने वो इतनी गाइडेंस दी, इस प्रॉपरली हमें पढ़ाया। और किस तरह पढ़ना चाहिए तो मैं कहूँगी कि सर के नोट्स बहुत अच्छी तरह गो थ्रू कर लो तो वो सफिशेंट है। साइड बाय साइड मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर रेफर किए थे कि कोई नया क्वेश्चन इन केस इंस्टीट्यूट मटेरियल में ऐड हुआ हो तो मैं वो रेफर कर लूँ। बट एज सच कुछ बहुत डिफरेंट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। सब कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर था। प्लस अगर कुछ मुझे सजेस्ट करना है तो वो ये है कि आरटीपी एमटीपी किसी को छोड़नी नहीं चाहिए। लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी जरूर रेफर करनी चाहिए। बहुत अच्छा निशा जी, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दी और क्लास के नोट्स आपको बहुत अच्छे लगे। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने इतना अप्रिशिएट किया मेरी क्लास के बारे में। ओके अनिशा जी, आगे भी आप बहुत मुकाम को टच करेंगे, आगे आप बहुत अच्छे अच्छे करियर को और हाइट्स, जो करियर की जो उपलब्धियां हैं उसे आप प्राप्त करेंगे। हमें जरूर अवगत कराते रहिएगा क्योंकि आपकी अचीवमेंट को हम अपनी अचीवमेंट मानेंगे और हम दुनिया को आपकी अचीवमेंट बताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अनिशा। थैंक यू सो मच।